नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच एशिया कप में जो क्रिकेट मैच चल रहा था वहां पे क्रिकेट छोड़ के बहुत सारी चीजें हो रही थी। एक तो बारिश हो रही थी जिसके वजह से भारत को बहुत ही कम ओवर्स और कम रन्स मिले चेस करने के लिए, लेकिन उसी दौरान गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उनको करना नहीं चाहिए था। गौतम गंभीर ने क्राउड को अपना मिडिल फिंगर दिखाया था, और अगर आप वीडियो गौर से देखें तो आप सुन सकते हो कि क्राउड वहां पे कोहली कोहली बोल रहे थे गौतम गंभीर को चिढ़ाने के लिए, और इसके जवाब में गौतम गंभीर ने अपना मिडिल फिंगर दिखाया था। अभी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गौतम गंभीर अभी इस पे बयान देते हुए ये बोल रहे हैं कि क्राउड में कुछ दो तीन पाकिस्तानी थे जो एंटी इंडियन बातें बोल रहे थे, भारत मुर्दाबाद बोल रहे थे, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, कश्मीर को लेके बात कर रहे थे, जिसके वजह से गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया था। लेकिन गौतम गंभीर को इतना पता नहीं है कि उन्होंने जो झूठ बोल के कवर अप करने की कोशिश की है ये सबको पता चल गया है, और इनका जो ये इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव है वो यहाँ पे बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। गौतम गंभीर यहाँ पे झूठ बात बोल रहे हैं, और ये इस चीज से पता चलता है कि जो मैच था वो इंडिया और नेपाल के बीच में था, तो वहां पे पाकिस्तानी सपोर्टर का होना कैसे लाजमी है। और गौतम गंभीर को देख के लोग इतनी जोर जोर से कोहली कोहली बोल रहे थे, वहां पे गौतम गंभीर जो अपने फोन पे बात कर रहे थे उनको तीन पाकिस्तानी सपोर्टर कहाँ पे दिखे, और उनकी जो बातें हैं वो कैसे सुनाई दी, और उनको कैसे पता चल गया कि वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं और कश्मीर को लेके बात कर रहे हैं। क्या इस चीज का कुछ भी सेंस बनता है दोस्तों, आप ही बताइए। और इस इंसिडेंट के कुछ दिन पहले गौतम गंभीर जब कमेंटेटर बन के आए थे एशिया कप में, तब कई सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि गौतम गंभीर ने खुद एशिया कप के पहले ये बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब एशिया कप शुरू हुई और उनको कमेंटेटर के हैसियत से वहां पे आमंत्रित किया गया, तब गौतम गंभीर वहां पे भी जाके पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी उन्होंने कमेंट्री की है। तो यहाँ पे जो दोगलापन है, जो दोहरे मापदंड है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उनका मिडिल फिंगर वाला, इसमें भी उन्होंने एक झूठ बात बोल दी और इंडिया पाकिस्तान खेलने लग गए। तो क्या एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, क्या एक एक्स इंडियन क्रिकेटर होने के नाते, एक्स इंडियन वाइस कैप्टन होने के नाते, इतने बार उन्होंने आईपीएल जिताया है, आईपीएल के विनिंग कैप्टन होने के नाते, क्या गौतम गंभीर का ऐसा बर्ताव और ऐसी बातें बोलना ठीक था? क्या गौतम गंभीर को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि उनको बुरा लगा था क्योंकि विराट कोहली का नाम लिया गया और इसी वजह से उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाया? क्या गौतम गंभीर को सच बोलना चाहिए था, और क्या इनका ये बर्ताव ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।